हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको नेहा चतुर्की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहा है सुबह का 6:15, तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। देख सकते हो, ये पनीर मैंने घिस के रखा है और ये कांदा, मिर्ची और धनिया पत्ता, ये रहा आटा। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर का परोठा, क्योंकि अभी सूरज भी स्कूल जाएगा, ज्योति भी कॉलेज जाएगी। तो चलो फटाफट मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो जैसे कि पनीर को ना परोठा के अंदर मैंने भर दिया, अभी इसको मैं बेल लूँगी, बेल के फटाफट सेक लूँगी। टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, क्योंकि लेट हो रहा है, सूरज भी स्कूल जाएगा। तो मैं सोची सुबह सुबह अगर पनीर का परोठा बना रही हूँ तो चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ बनाते बनाते, है ना। तो आज सुबह का नाश्ते में है पनीर का परोठा। ये पनीर का परोठा बनाना बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये अंदर डालने के बाद में फिर इसको बेलना बोलेंगे ना, ये पूरा फट जाता है, फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हैं, देखो। तो चलो मैं बना लेती हूँ। एक परोठा के अंदर मैं इतना पनीर डालती हूँ, ये देखो। इसमें पनीर, धनिया पत्ता, मिर्ची और क्या डाले, कांदा। तो अभी इसको ना मैं ऐसा फोल्ड कर दूंगी। फिर इसको ये पलटी हो गया, इसको ये साइड का भी लेके आप ऐसा मोड़ देना। फिर अब इसको ना हाथ से, क्योंकि ज़्यादा ये हो गया ना, अभी हल्का सा इसमें हम आटा छिड़क देंगे और फिर इसको ऐसा मोड़ देंगे। तो बन रहा है पनीर का परोठा। तो गाइस, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को लाइक करना और बाजू में जो बेल बटन है उसको भी दबा देना। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपके मोबाइल में सबसे पहले आएगा। तो चलो, सुबह का तो शुरुआत हो गया। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सबको। फटाफट मैं नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे लोग को स्कूल छोड़ती हूँ। बाय, अभी के लिए बाय। बाद में अभी हम बच्चे लोग को छोड़ के आती हूँ, फिर बाद में दूसरा काम करते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हो। बाय का मतलब ये हुआ, जो सूरज को, ज्योति को चलो छोड़ के आती हूँ। देख सकते हो पराठा मेरा कितना क्रंची बना है। ये देखने में जितना अच्छा बना है ना, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी बना। खुशबू तो इतना बढ़िया आ रहा है, पूछो ही मत। लेकिन बच्चे लोग जब भी खाएगा तब तक ठंडा हो जाएगा, ये गर्म गर्म खाता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो खाते खाते का टाइम हो जाएगा, जैसे इसका टाइम कुछ 9-9:30 बजे होता है, तब तक तो परोठा ठंडा हो जाएगा। चलो परोठा निकाल लेती हूँ मैं। जैसा कि परोठा बन गया, तो दो परोठे ज्योति को दे देती हूँ, क्योंकि तो कॉलेज भी जाएगी, ट्यूशन भी जाएगी और सूरज के लिए। तो इसको ऐसा मैं पैकिंग कर देती हूँ, ऐसा पैक कर दूँगी तो फिर कैसे ठंडा नहीं होगा, ठंडा थोड़ा लेट होगा और परोठा कैसा गिल्ला नहीं होगा, फिर गर्म का भाप से जो होता है ऐसे चौकन तो नहीं जाएगा। तो इसको मैं ऐसा फोल्ड कर दूंगी, एक हो गया और दूसरा भी ऐसे ही मैं पैक कर दूंगी। तो फिर कैसा परोठा ज़्यादा टाइम गर्म रहेगा बच्चे का। जैसा बना वैसा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, अभी खाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी दूसरा परोठा भी देखो गैस में है, सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा खाई होता है। तो इसको भी मैं पैक कर देती हूँ। ज्योति का डब्बा रेडी। सूरज ये दीदी को दे दे, अभी सूरज का, अभी ये जो निकालूंगी ना ये सूरज का, क्योंकि सूरज का बिना मिर्ची वाला है इसलिए। डब्बा लेके दीदी को दे दे बेटा। बादाम भी नहीं छिली हूँ मैं अभी तक, इतना लेट हो जाएगा आज देखना। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट है और, नहीं 10 मिनट।
6 हो रहा है ना, तो 6 15 6 20 को निकालना है, तो कितना टाइम हो गया, 5 मिनट रह गया ना। बस 6:30 को नहीं जाता है, 6:28 को निकल जाता है। चलो सूरज का भी बन गया, तो सभी फिलहाल सुबह के लिए 3 परोठा ही काफी है। देखो बाबू का भी रेडी हो गया, धीमी गैस में पकाया तो कैसा, अंदर का भी अच्छे से पके कैसा, पनीर फट के बाहर आया क्योंकि पनीर का क्वांटिटी ज़्यादा दिया ना इसीलिए, तो भी क्या खाने में अच्छा लगेगा, सॉफ्ट रहेगा नरम एकदम। सच्ची में खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ही खा लूँ सुबह सुबह। चलो इसको भी निकाल लेती हूँ, सूरज का भी और उसका भी डब्बे में पैक कर देती हूँ। तो चलो बाबू का भी पैक कर लेती हूँ। घर से निकलने के लिए खाली 5 मिनट बचा है मेरे पास, बादाम भी नहीं छीले, अच्छे लोग ये काम नहीं करते सुबह। तो ये सूरज का भी हो गया, दोनों डब्बा रेडी। तो चलो बादाम छील लेती हूँ मैं, तो ये बादाम है छील लेती हूँ मैं। पानी भर लिया बाबू, कैसा घर के नजदीक स्कूल होएगा तो टेंशन नहीं रहता है, बस वाला स्कूल कैसा दूर रहेगा, बस में आने जाने का ना, तो तभी ज्यादा टेंशन होता है क्योंकि बस छूट जाता है, मेन बात वो है, तो फिर कैसे स्कूल का छुट्टी होगा, नहीं तो चलो गाड़ी में छोड़ो। चलो फटाफट मैं बादाम छील के लेती हूँ, आ जा ले जा। अभी बादाम छील के भी हो गया, ज्योति को दे दी हूँ मैं, अभी सूरज को ये बादाम भी छील दिए, ये दूध है। चलो बाबू को देख के आती हूँ, किधर गया, अले हेलो बादाम ले लो मैं, ठीक है चलो बाबू को छोड़ के आती हूँ। सवेरे का टाइम है, रास्ता पूरा खाली है, देखो खाली है बोलेगा, तो गाड़ी का तो ये नहीं है, गाड़ी तो चलता ही रहता है, तो बाबू को छोड़ दिया मैंने, अब जा रही हूँ घर पे। बिल्डिंग के नीचे तक आ गई हूँ, तो सीढ़ी चढ़ूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। अभी तो चलो आ गई हूँ, देख रहे हैं पार्किंग में इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। चलो एक काम निपट गया है, सुबह सुबह जो सबसे बड़ा काम रहता है बच्चों को स्कूल छोड़ना, काम हो गया। अभी ये हमारा इधर बप्पा है, सीढ़ी इतना बड़ा बड़ा है ना, चढ़ने में बहुत थकान होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है। तो चलो छोड़ के आ गई, अभी मैं क्या करूँगी, अभी सो जाऊँगी जाके, मतलब जैसे घर पहुँचूँगी दरवाज़ा खोलूँगी और सो जाऊँगी बस, फिर 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ तभी आप लोग से बात करूँ। तो आ गई हूँ घर पर, सीढ़ी चढ़ के थक गई हूँ मैं, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी बस सो जाऊंगी, अंदर जाऊंगी और सो जाऊंगी, फिर 9:30-10 बजे उठती हूँ तभी, फिर अभी मेरा गुड मॉर्निंग नहीं था, अभी जब 9:30-10 बजे जब भी मैं उठूंगी तभी होगा मेरा गुड मॉर्निंग। तो चलो मैं अभी सो जाती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो आके सो गई थी सूरज को छोड़ के, अभी उठी हूँ 11 बजे, लेकिन 11 बजे उठी है, उठ के बिस्तर खड़ी किया और झाड़ू निकाली, अभी मैं आई हूँ ब्रश करने के लिए, ब्रश भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 11 बजे उठी बोलेगा तो 11 बजे नींद खुला, फिर मैंने बिस्तर खड़ी करते करते झाड़ू मारते मारते अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो अभी मैं ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। चलो फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि लेट इतना हो गया तो मुझे इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ब्रश करना पड़ रहा है, तो ब्रश कर लिया फटाफट, मुँह धो लेती हूँ मैं।
देख सकते हो इतना मैं घाई घाई कभी कर रही हूँ। तो फाइनली मूड हो रही है, अभी मैं एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ और फटाफट हम चाय पी लेती हूँ। मैं क्या सुबह परोठा बनाई थी बताई थी ना, तो मेरे लिए भी परोठा मैंने रखी हूँ, उन लोग को देने का था उन लोग को दे दिया, अभी मेरे लिए भी परोठा है। तो मैं अभी फ़िलहाल खाली चाय बना लूँगी और चाय पी लूँगी। तो चलो मैं चाय रखती हूँ क्योंकि लेट हो गया, 1 बजे सूरज आएगा और अभी बज रहा है 12, तो उससे सूरज आने से अभी सोच सकते हो 12 बजे अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मैं चाय पीते पीते 12:15 हो जाएगा, फिर मैं खाना कभी खाऊँगी। तो चाय मैंने रख दिया, मैं सोची थी 10 बजे उठ जाऊंगी, 11 बजा, लेकिन कैसे नींद ही नहीं खुला। रात को सोते सोते मुझे 2 बजता है, रात को नींद ही नहीं आता और सुबह फिर मुझे 5 बजे उठना ही है, कैसे कौन सा की हालत में। तो 2 बजे सोती हो फिर 5 बजे उठती हो तो नींद पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद में सो जाती हूँ। दोस्त आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है जो हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं ये एक छोटा सा बिग बॉस के जैसा है, जो बिग बॉस अपना कलर चैनल पे आता है। मुझे ना ब्लॉग बनाने के टाइम पे ऐसा फील होता है, खाली हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, हम लोग इसमें खाली झगड़ा लड़ाई नहीं करते और अपना घर का बताते हैं, लेकिन बिग बॉस में देखो सुबह से लेकर शाम तक वो लोग भी काम का बताता है, लेकिन उसमें झगड़ा लड़ाई ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ब्लॉग में कैसे हम लोग खाली गड़बड़ ही रहते हैं और बिग बॉस में कैसे आप 5 अलग अलग लोग एक साथ में हैं। तो ये एक छोटा सा बिग बॉस जैसे ही हो गया ना, मुझे तो ऐसा फील होता है ब्लॉग बनाने के टाइम पर जैसे मैं कोई मतलब बिग बॉस में आई हूँ और मैं बिग बॉस वर्क कर रही हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना जो ब्लॉग बोलेगा तो छोटा सा बिग बॉस के जैसा, सब सब मतलब सब अपना अपना स्टोरी बताते हैं, अपना स्टोरी बोलते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे एक छोटा सा एक बिग बॉस है। तो मेरा चाय में देख सकते हो उबल आ गया है, अभी मैं इसको ना अदरक को थोड़ा कूट लेती हूँ, कूट के तो अदरक को मैं कूट लेती हूँ, कूट कूट मिला देती हूँ। मेरा कैसा चाय नहीं पीऊँगी चलेगा, लेकिन बिना अदरक वाला चाय मुझे नहीं जमता है, मुझे चाय में अदरक चाहिए चाहिए, ऐसा लग रहा है चाय नाश्ता नहीं करूँ मैं डायरेक्ट खाना खा लूँ, इतना लेट हो गया ना। देखो चाय है, चाय का कलर देखो, ऐसा चाय पिएगा तभी जाके चाय में मज़ा आता है। तो चाय पत्ती एक जगह पे, लिकर एक जगह पे, ऐसे चाय पी के मज़ा नहीं आता, सही बोले कि नहीं, किस किस का रहता है चाय पत्ती एक जगह पे और पानी एक जगह पे, दूध और एक जगह पे, इतना पतला चाय बनता है आपको पी के बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ना उन लोगों का वैसा आदत रहता है जैसे हम सबको मतलब अलग अलग पीने का स्टाइल। इतना ज़्यादा सो गई हूँ, आग भी सब सूझ गया मेरा। तो चलो चाय बना के, चाय बना के लेके फिर फटाफट नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो चाय बन गया, चाय पी लेती हूँ और साथ में परोठा भी खा लेती हूँ, ऐसे भी कितना देखते देखते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करके फिर खाना बनाना है, फिर बाबू का भी आने का टाइम हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। खाना मैंने स्टार्ट कर दिया, चावल बना लिया मैंने, देख चावल बना लिया, चावल बन गया, अभी मैं लौकी का दाल बना लूँ, ये मसूर का दाल है लौकी के साथ में बना ली, लेट भी हो गया क्योंकि मैं लेट उठी थी ना इसकी वजह से। तो दाल बना लूँगी लौकी का और चावल है, बाबू भी आ गया, ऑमलेट बना दूँगी इसके साथ खा के, अभी चला जाएगा ट्यूशन में, फिर बाद में देखती हूँ जो भी अगर कुछ बनाने का रहेगा तो बना लूँगी। तो चलो बना लेती हूँ फटाफट, लौकी भी डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा दाल इसमें रह गया है। तो चलो बना रही हूँ सूरज को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मैं लेट हो गया तो सूरज घर 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 कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो अभी जाऊँगी जाके इसको छोड़ के आती हूँ, चलो स्कूटी निकालो। ऐसा चिपका चिपका के लोग गाड़ी रखते हैं जो दूसरे का गाड़ी निकालने को दिक्कत हो जाएगी। अभी सूरज स्कूटी निकालेगा, बाबू को डबल लेके चलाना नहीं आता ना, तो मैं ही चला के लेके जाऊंगी अभी इसको, तो बाबू को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। निकाल लिया बाबू मेरा स्कूटी, उसको चलाना तो आता है लेकिन कैसा डबल लेके चलाना नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको लेके जाऊंगी। देखो कैसा उतर गया, मेन रोड है ना तो इसलिए उसको कैसा देने को डर लगता है। चलो बाबू को तो सूरज को मैंने ट्यूशन में छोड़ दिया, छोड़ के मैं सोची चलो राशन भरा लेती हूँ, कल से भराने भराने का सोच रही थी हुआ नहीं है, तो मैं बोली चलो अभी भरा लेती हूँ, वो अभी चलो राशन भरा लेती हूँ, देखती हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ज़्यादा करके मैं ये वाला ही पीती हूँ, नेस्कॉफ़ी अच्छा लगता है मुझे।
किलो लहसुन भरा लेती हूँ। कोई है नहीं ना पकड़ने के लिए, मैं अकेली हूँ तो इसलिए। मसूर का दाल 2 किलो, मसूर का दाल भी 2 किलो। ठीक है चलो बाकी सामान ले लेती हूँ। 42 10 किलो का कितना हो? और अभी जैसे तू प्रेस करना ये बटन करेगा, अभी ये कलम है। कितना, 2-2 बार निकाला क्या 10 किलो 10 किलो वजन का? नहीं रे बाप, इसको बताने के लिए मैं स्टिकर निकाला, मैं निकलता ही नहीं। मैं गुजर डाल दिया ना, गेहूं कौन सा वो बोलो। गेहूं नहीं चाहिए, आटा है मेरे पास। वाह, पहली बार शांति मिला। शांति मिला ना। आधा सामान लेके हो गया, आधा बाकी है। पिछले बार ना बड़ा बिम्बर ली थी, तो बड़ा बिम्बर से अच्छा ही 10 वाला ले लो, ज़्यादा सही रहता है। 10 वाला 4 ले लो ना, वो बराबर होता है। बिम लिक्विड तो था, एक बिम लिक्विड का छोटा पैकेट भी लेना पड़ेगा। जैसे बिम लिक्विड लेमन वाला अगरबत्ती, ये कौन सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जो लेती हूँ वो दिख नहीं रहा है। वो है ब्लैक जेट का खुशबू बहुत अच्छा है, तो मुझे वो चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वही सोच रही हूँ कौन सा लूँ। खुशबू अच्छा ना है, क्या करूँ। इसका सही है लेकिन इसका कांडी बहुत छोटा छोटा है, आरती करते करते ख़त्म हो जाएगा ऐसा। ये सही लग रहा है, तो ये वाला अगर बच्चे देखते हैं। और सर्फ ले लिया, सर्फ एक लिया और ये पैकेट दूसरा नहीं है, तो चलो इतना लिया। साबुन तो इतना सारा घर पे रखा है, तो साबुन लेने का ज़रूरत नहीं है। और क्या बाकी रह गया, बिस्किट याद आया, तो चलो फटाफट बिस्किट ले लेती हूँ। बिस्किट भी लेना है और मसाला भी लेना है, तो बिस्किट और मसाला दोनों फटाफट ले लेती हूँ। मसाला में एवरेस्ट का हल्दी और एक मिर्ची, और जैसे कि जीरा और धनिया, वो तो मैं आखा ही लेती हूँ तो पीस लेती हूँ ना। तो ये रह गया धनिया, ये रह गया जीरा, तो सुनो अभी बाकी रह गया खाली बिस्किट। और मैं जो शैम्पू लगाती हूँ वो इतने मिलेगा मॉल में, वो तो बाहर ही मिलेगा। आजा सर, प्लीज दे 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 दे। क्या रे नेहा मैम, यस YouTube पर डाल देगा? हाँ रे, क्या क्या रे, फिर एक ये वाला बिस्किट ट्राई करके देखती हूँ कैसा है मेरा। नेहा चौधरी, अरे इंस्टा भी भाई, यस फेसबुक भी भाई, फेसबुक नहीं फेसबुक पेज है। ये ले लिया दोनों, तो चलो पापड़ नहीं लूँगी, पापड़ बहुत सारा रखा हुआ है जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ना थोड़ा ये ले लेती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अखरोट ले लेती हूँ छोटा सा। किसमिस किधर गए? ये किसमिस हो गया, अच्छा छोटा है। हाँ मिल गया, ये है मेरा किसमिस, ये रहा और जो बिस्किट सूरज बोला अच्छा लगा, ये सूरज को बहुत अच्छा लगा, तो ये वाला बिस्किट ले लेती हूँ सूरज के लिए। और ना काम करती हूँ, 2 गुड्डे ले लेती हूँ। ये 2 गुड्डे हो गए, हाँ। और हो अच्छा हो गया, याद आया मेरा ना सोया सॉस भी ख़त्म हो गया था, सोया सॉस और एक चिली सॉस और एक शेजवान का चटनी भी चाहिए था, शेजवान चटनी
संचित ने बोले करते हो तो सेशन में ये मिला तो ये वाला ले लेती हूँ जो मिला अभी फिलहाल। सॉस दोनों हो गया, शेजवान चटनी भी हो गई। ओके बच्चे लोग को कभी कभी लेके जाने के रहते ना स्कूल में फ्राइडेज वगैरह या नूडल्स वगैरह, उसके लिए ये रख देती हूँ घर पे। और मैगी भी मैं नूडल्स के साथ बना के देती हूँ ना, तो इसलिए चलो इतना तो सामान ले लिया। नहीं चॉकलेट वगैरह नहीं चाहिए अभी, तो चलो देखो ट्रॉली मेरा भर गया फिलहाल। चलो देख लेती हूँ कितना क्या हुआ। हाँ और एक चीज़ याद आया, खजूर नहीं ली थी मैंने, तो ये रहा खजूर, आधा किलो बस हो जाएगा क्योंकि थोड़ा खजूर है घर पर, मेरा एक किलो लगेगा। तो ये हो गया खजूर, खजूर भी ले लिया मैंने, तो बस और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, हो गया सब। इस बार बादाम नहीं चाहिए, बादाम है। चलो बिल बना लेती हूँ, तो हो गया सामान लेके बिल बना रही हूँ। तो चलो बिल बना ली, तो ऐसा लगा इधर ही चूर चूर हो गया। लेके जाते थे पाउडर बन जाएगा बिस्किट का, इतना हल्का है। तो एकदम ऊपर रख बिस्किट का, तो सामान सब दे दिया मैंने। बिस्किट ना तो मुझे दे देना, मैं लेके जाऊंगी। हाँ नहीं तो बिस्किट ये हो जाएगा एकदम हल्का हल्का। हो गया चलो, अभी खाली चावल निकालने के लिए बोल रहे चावल निकाल ले जरा, वजन है भाई दे दे इसको। ठीक है चलो बिल बना ले, कुछ छोड़ दिया, राशन भी भरा ली। अभी मैं घर पे आ गई हूँ, खाना नहीं खाई थी मैं सोचा पहले बाबू को छोड़ के आऊँ, तो उसको छोड़ा तो सोचिए राशन भी भरा लेती हूँ, भरा लिया। तो चलो अभी मैं घर पे आ गई हूँ, अभी खाना खा लेती हूँ। सीढ़ी चढ़ने के बाद थकान बहुत होता है भाई, जो सीढ़ी चढ़ता है उसको ही मालूम है जो थकान कितना होता है। तो चलो अभी जाती हूँ खाना खा लेते हैं। बाहर का लाइट चालू करके गई तो बहुत अंधेरा होता है, इसलिए तो अभी बंद कर देती हूँ। चलो ज्योति भी सो रही होगा, कॉलेज से आके सो गई हूँ। ठीक है चलो अभी रख रही हूँ, अभी बाकी का काम कर लेती हूँ। अभी के लिए वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरा साथ आप लोगों को बना रहने में कैसा लगता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। ब्लॉग का मतलब यही हुआ जो हम दिन भर में क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं बोली थी ना ये है एक छोटा बिग बॉस के जैसा, मेरे हिसाब से तो वही है। मैं तो ब्लॉग बोलेगा तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटा बिग बॉस है। तो चलो आज का दिन आप लोगों के साथ मैंने आज दिन में क्या किया क्या नहीं किया, अभी बज रहा है 3:15, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी बज रहा है 3:15, तो 3:30 बजे तक का मैं सुबह से लेके क्या क्या किया वो आप लोगों को मैंने बता दी। अभी भी फिर भी मेरा घर में पोछा लगाना बाकी है, तो अभी मैं पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है, पहले खाना खा लेती हूँ फिर मैं पोछा लगाऊंगी, नहीं तो कैसे फिर गैस वगैरह हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो चलो मैं अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाराष्ट्र।